अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम FSC पार्ट 2 इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का टॉपिक क्या है? इस चैप्टर का टॉपिक है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, बुक्स को तबाही के बारे में, बुक्स की तबाही के बारे में, बुक्स को ख़त्म करने के बारे में है ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर का राइटर कौन है। तो इस चैप्टर के राइटर हैं JC स्क्वायर, ठीक है। इनका फुल नेम है जेम्स कॉलिंग्स स्क्वायर। ये 1884 में पैदा हुए और 1958 में इन्होंने वफात पाई, ठीक है। ये हो गया राइटर का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है राइटर की तरफ से, ठीक है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि राइटर सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है बुक्स के बारे में, पुरानी बुक्स के बारे में जिनका कोई काम नहीं है। राइटर कहता है कि जो पुरानी बुक्स हैं इनके घर में ये वैसे पड़ी रहती हैं, एक बार ये जिस अलमारी में जिस जगह पड़ी रहती हैं सारी ज़िंदगी वहीं पड़ी रहती हैं, कोई इन्हें खोल के नहीं देखता, कोई इन्हें पढ़ता तक नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह घेरी हुई हैं और कोई इनसे फ़ायदा तक नहीं उठाता। तो राइटर कहना चाह रहा है कि इन किताबों को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, किसी ठिकाने लगा देना चाहिए और इसकी जगह नई बुक्स रखनी चाहिए, रीडेबल बुक्स रखनी चाहिए जिन्हें पढ़ने से हमें फ़ायदा भी हो सके, ठीक है। तो राइटर अपना इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि हमें पुरानी बुक्स को ख़त्म कर देना चाहिए और नई बुक्स लानी चाहिए, ठीक है। और राइटर एक बार ये भी बात कहता है कि बरतानिया के लोगों में एक बार फौजियों को किताबें, लाखों किताबें तोहफे में भेज दी थी, लेकिन पता बाद में ये चला कि वो किताबें सारी रसाले, ड्रामे, फजूल किताबें थी जिनके जिन्हें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। और आम तौर पर जो फौजियों को बुक्स भेजी जाती हैं वो होती हैं मोटिवेशन बुक्स, ठीक है, जिन्हें पढ़कर वो मोटिवेटेड हों, वो अपने फारिग वक्त में वो उन बुक्स को पढ़ते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं और अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम देते हैं। तो इसलिए फौजियों को मोटिवेटेड बुक्स भेजी जाती हैं। लेकिन बरतानिया के लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही फजूल किताबें आ गई थी, वो उनको ठिकाने लगाना चाह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें फौजियों को तोहफा दे दिया जाए। तो वो उन्होंने लाखों में किताबें फौजियों को भेज दी जो कि फजूल थी, जिन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद राइटर अपनी कहानी की तरफ वापस आता है और वो बताता है कि मेरे पास बहुत सारी फजूल किताबें होंगी हैं। राइटर के पास एक लाइब्रेरी टाइप एक रैक है जिसमें उसने बुक्स रखी हुई हैं और वो बुक्स फजूल हैं, मतलब कुछ रसाले हैं, कुछ किसी खास टॉपिक पे नहीं है, बस फजूल किताबें हैं जिन्हें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो राइटर सोचता है कि क्यों ना मैं इन किताबों को ठिकाने लगा दूँ, मतलब इनको ज़ाया कर दूँ, कहीं फेंक दूँ इन्हें। तो राइटर बताता है कि पुरानी किताबों को किसी ठिकाने लगाना बिल्ली के बच्चे को घर से निकालने के बराबर है। जिस तरह एक बिल्ली के बच्चे को घर से अगर आप निकालना चाह रहे हैं ना, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो आप उसके पीछे दौड़ते हैं, वो कहीं भाग जाता है, तो काफ़ी आप इरिटेट होते हैं, आप तंग होते हैं। तो राइटर भी यही कह रहा है कि आप पुरानी किताबों को बाहर फेंकना बिल्ली के बच्चे को बाहर फेंकने के बराबर है, इतना मुश्किल है ये चीज़, वो बताता है, ठीक है। वो अपनी कहानी बताता है कि उसके जहन में सबसे पहला आइडिया क्या आया कि वो किताबों को किस तरह से ख़त्म करे। वो सबसे पहले सोचता है कि मैं इन किताबों को जला दूँ, ठीक है। तो वो अपने किचन में देखता है, उसके किचन में चूल्हा नहीं होता जिस पर वो आग लगा सके, मतलब इन सारी किताबों को इकट्ठे आग लगा दे और सारा माजरा ही ख़त्म हो जाए, सारी किताबों से जान छूट जाए, ठीक है। तो वो पता क्या करता है, वो फिर उसके बाद अपने आतिशदान के पास जाता है, लाइब्रेरी में उसकी एक आतिशदान होता है, तो वो सोचता है कि इसमें मैं जला दूँ, लेकिन वो आतिशदान बहुत छोटा होता है, वो सोचता है कि अगर मैं इसमें जलाने लग पड़ा तो मुझे एक एक पेज उतार कर, मतलब बुक्स को फाड़ फाड़ के फेंकना पड़ेगा, एक एक बुक को जलाना पड़ेगा, इकट्ठी बुक्स, इस तरह मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और ये बहुत मेहनत वाला काम है, इसमें भी काफ़ी देर लग जाएगी। तो वो इस आइडिया को भी कहता है नहीं, ये भी ठीक नहीं है। वो पहले जलाने का सोचता है कि इस तरह जला दूँ, लेकिन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद वो उसी आइडिया पर वापस आ जाता है कि क्यों ना इसे बिल्ली के बच्चे की तरह, जिस तरह बिल्ली के बच्चे को एक बोरी में या एक बैग में बंद करके ले जाकर कहीं छोड़ दिया जाता है, तो वो सोचता है कि चलो मैं किताबों को भी एक बैग में डालता हूँ और इन्हें कहीं फेंक के आ जाता हूँ और इनसे छुटकारा हासिल करता हूँ, ठीक है। तो वो उन किताबों को बैग्स में डालता है, बोरी में डालता है और उसे अपने कंधे पर रखता है और उसके बाद अपने घर से रवाना हो जाता है। रात का वक्त होता है, काफ़ी अंधेरा छाया होता है, उसे डर भी होता है कि मैं रात के वक्त ये बोरी में किताबें लेके जा रहा हूँ, इस बैग में किताबें लेके जा रहा हूँ, तो किसी को शक ना हो, कोई क्या सोचेगा कि क्या है इस बैग में, कोई मुझ पर शक करेगा।
लेकिन वो फिर भी उन किताबों से छुटकारा हासिल करना चाह रहा होता है, तो वो उन किताबों को रखता है अपने कंधों पर बोरी की शक्ल में और चल पड़ता है, ठीक है। और वो जब रास्ते से गुजरता है तो वो एक पुलिस वाले को देखता है, एक वॉचमैन को देखता है, तो उसके जहन में एक खौफ तारी हो जाता है, उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात, बुरे ख्यालात आने लग पड़ते हैं। वो सोचता है कि क्या ये चौकीदार ये नहीं सोचेगा कि मैं कोई चोरी का सामान लेके जा रहा हूँ, बोरी में किताबें रखी हुई हैं तो मैं किसी चोरी का सामान लेके जा रहा हूँ। लेकिन उसके जहन में फिर ख्याल आता है तो मैं तो ये साबित कर सकता हूँ कि ये चोरी का सामान नहीं है, ये बुक्स हैं जो कि मेरे अपने घर से लेके आया हूँ। तो वो ज़रा फिर से हौसला लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर उसके जहन में एक और बात आती है कि कहीं कोई ये तो ना सोचे कि मैं किसी बच्चे की लाश को या किसी लाश को इस बोरी में लेके आया हूँ और उसको मैंने कत्ल किया है और उसको मैं ठिकाने लगाने आया हूँ ताकि दुनिया को पता ना चले कि मैंने इसका कत्ल किया है। तो उसके जहन में ये भी एक ख्याल आता है, तो वो काफ़ी डरते डरते चला जाता है आगे। तो वो एक पुल पे जाता है, पुल ब्रिज पे जाता है, और वो सोचता है कि मैं इस नदी में ये इसको फेंक दूंगा किताबों के बोरी को। लेकिन उसके जहन में फिर एक ख्याल आता है कि जब मैं इस बोरी को पानी में फेंकूंगा तो बोरी जब पानी में गिरेगी तो एक धमाका खेज आवाज़ पैदा होगी, तो इससे पक्का लोगों को शक हो जाएगा कि इसने कोई लाश ही फेंकी है। वो फिर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा सोचता है कि क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मुझे ये बुक्स फेंक देनी चाहिए, वो सोचता है। लेकिन उसके बाद वो हिम्मत करता है और उन किताबों को फेंक देता है, और वो किताबें जाकर नदी में गिरती हैं और वो नीचे एक धमाका खेज आवाज़ पैदा होती है और फिर आवाज़ ख़त्म हो जाती है, दोबारा उसी तरह सन्नाटा छा जाता है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखता है कि किसी ने मुझे नहीं देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे फेंकने से, तो वो बुक्स को फेंक के घर वापस चला जाता है। तो ये थी राइटर की स्टोरी के उसने किस तरह से अपनी किताबों से छुटकारा हासिल किया। लेकिन मेन पॉइंट जो अभी बाकी है, राइटर जब अपने घर वापस आता है तो उसकी रूह अंदर से उसे झंझोड़ती है, अंदर से उसका ज़मीर उसको बुरा महसूस करवाता है कि ये तुमने गलत किया है, कि तुमने उन किताबों को फेंक क्यों दिया, क्या तुमने उन किताबों के साथ अच्छा किया। उसका ज़मीर अंदर से उससे कहता है, वो अपने आप को कोसता है, वो सोचता है कि ये मैंने किताबों का कसूर क्या था। उसके एक तरह से उसके जहन के अंदर पछतावा था कि वो जहन में इमेजिन करता है कि किताबें पानी के अंदर जा रही हैं, वो नीचे पानी की तह में कहीं कीचड़ में पड़ गई हैं और उसके पेज सारे बिखर चुके हैं, सारा वो किताबें गीली हो गई हैं और किताबें ख़राब हो गई हैं, सब तबाह हो गया। तो उसके जहन में एक पछतावा सा आता है। तो इसी पछतावे के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है, और ये राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि किताबों को किस तरह ठिकाने लगाना चाहिए। उसने फिर बरतानिया वाली बात कही और वो फिर अपनी कहानी बताता है कि किस तरह से उसने उन किताबों को ठिकाने लगाया। तो यही थी इस चैप्टर की स्टोरी। तो अगर कोई भी सवाल इस स्टोरी के बारे में आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।